अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू करता हूँ। आज मेरी सालगिरह है, 15 जनवरी पे जो है मेरी बर्थडे होती है। तो मैं इस्लामाबाद आ चुका हूँ और आज सालगिरह मैं अपने दोस्तों के साथ, जो पुराने दोस्त थे उनके साथ आज मैं अपनी सालगिरह मनाऊँगा। तो आपके साथ भी वो सारे लम्हात शेयर करूंगा, अपने दोस्तों से मुलाकात करवाऊंगा और पूरा दिन आज मैं क्या क्या करूंगा, अपने पहले दिन जो साल का शुरू होने वाला है वो आप सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, दोस्तों से मिलाऊंगा, गपशप भी लगाएंगे, तो साथ रहिए। जी, इस टाइम हम आए हैं ताहिर खान रेस्टोरेंट पे डिनर के लिए। मेरे साथ जो है कुलीग्स भी है, हमारे दोस्त भी है और हमारा साथ तकरीबन 10-12 साल से है। तो आज मैं अपने दोस्तों से आपको मिलाता हूँ और इनसे गपशप भी लगाएंगे कि मेरे बारे में कुछ कहेंगे कि मतलब इनके साथ मेरा टाइम गुजरा है काफ़ी अच्छा भी, और इनके जो है जो पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे बारे में इनकी थिंकिंग है वो भी आज जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं फ़खर यूसुफ़ज़ई, तो सब दोस्तों से बारी बारी पूछते हैं। जी फ़खर, थैंक यू वेरी मच शिराज खान, और बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि मीडिया में होने की वजह से हर बंदे की अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो बड़ा कम टाइम हम लोगों को मिलता है एक साथ बैठने का या सोशलाइजिंग करने का। और आज शिराज की बर्थडे है, लास्ट वीक बात हुई थी उसके साथ, और क्योंकि 7 को मेरी होती है, 15 को इसकी होती है, तो उसको हैप्पी बर्थडे भी कहेंगे। और साथ में ये है कि एक अच्छी बात जो मैं पहली करूंगा कि ये मतलब लास्ट वीक इसने मुझे कहा था कि यार आप इस्लामाबाद में होंगे, हम गैदरिंग करेंगे। मैं कहा बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। तो ये सबको इकट्ठा करने का मैं कहता हूँ कि ये भी एक आर्ट होता है जो इस बंदे के। लास्ट टाइम जो है 2019 में सालगिरह आई थी दोनों ने इकट्ठे, वो तस्वीरें भी मैं अभी शेयर करूँगा आपके साथ। बिल्कुल ज़बरदस्त, और मतलब इन चीज़ों में शिराज बहुत अच्छे हैं। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव हर इंसान के अंदर होता है। एक साथ हमने काम किया, एक इदारे के लिए हम काम करते रहे हैं, और अभी मैं भी उस इदारे के साथ नहीं हूँ और शिराज भी नहीं है, लेकिन बाकी दोस्त हमारे जो बैठे हुए ये अभी भी उस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से चल रहा है इनका सिस्टम। तो मतलब जो हमारी जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ होती है या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें आती है। कभी कभार शिराज ने अगर कहीं जाना है तो मैं, यार मुझे भी उस वीक में मतलब अगर छुट्टी चाहिए, तो उस पर हमारी मतलब आगे पीछे हो जाती थी। यार शिराज कहते भाई मैंने भी तो टाइम दिया हुआ है कि यार मुझे फ्लाक में मिलने जाना है, सवाबी जाना है या मरदान जाना है। मैं कहता हूँ यार मेरे भी तो गांव में ये फ्लाक की शादी हो रही, मुझे भी जाना है, तो छुट्टी दोनों को चाहिए होती थी। तो वो उस पर कभी तो ये मसला था इसलिए हम दोनों ने छोड़ और उसको एंजॉय करते थे। यकीन करें बड़ा अच्छा टाइम हमारा गुजरा है, बहुत अच्छा, मतलब भाइयों जैसा लड़ना झगड़ना गुस्सा ये सारा कुछ चलता था। और उसके बाद जो है मतलब वही इकट्ठे बैठना, एक साथ खाना खाना, चाय पीने का हमारा जो टाइम होता था, और रात को और डिनर का, वो बड़ा यादगार था और बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद जलेबी खाने का, हर कोई कोशिश करता था कि यार वो ज़्यादा से ज़्यादा जलेबी खाए। तो सारी यादें, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम वही अपने दोस्त आज भी हैं और सारे सही सलामत है, अल्लाह सबको इसी तरह खुश और सही रखे। तो मिलते कभी कभार, मुलाकात हो जाती है, कभी किस बहाने कभी किस बहाने। तो आप लोगों के साथ भी आज मुलाकात हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि शिराज ने ये अपॉर्चुनिटी, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो डॉक्टर साहब का भी है क्योंकि उन्होंने डिनर हमारे लिए होस्ट किया। हालांकि हम कहीं और जा रहे थे, कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग जा रहे थे, हमारा प्लान ये था, लेकिन डॉक्टर साहब की कॉल आई। और डॉक्टर साहब है बड़े ख़राब बंदे हैं, लेकिन क्या करें, आज हम उन्होंने डिनर हमारे लिए करवाया हुआ है, तो उनको हम थैंक यू कहेंगे इस चीज़ के लिए। थैंक यू, शुक्रिया जी। जी उस्मान भी कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने गरम कहवा भी पिए
सबसे पहले हैप्पी बर्थडे शिराज से। शुक्रिया। मैं कहूँगा कि इज़ अ प्रोफेशनल लाइफ में जब से मैं आया हूँ तो जिन लोगों ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिन लोगों ने साथ दिया है, तो उनमें शिराज साहब भी थे, फ़खर साहब और राशिद साहब थे। सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने स्टार्ट में सपोर्ट किया था, तो यही तीन थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फील्ड में आया था, नया था, कभी क्या क्या मतलब बड़ा चढ़ा के बात कर लूँ, टोटल रियलिटी हमेशा इन लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। उस दिन से लेके आज तक मुझे सपोर्ट किया, इंटर्नशिप से लेके जॉब तक, जॉब के बाद फिर राशिद शिराज साहब और फखर साहब उस इदारे को छोड़ गए, हमें अकेला छोड़ गए। तो हम अकेले भी राशिद साहब कंप्यूटर आपको छोड़ गए। एग्जैक्टली जो शिराज साहब पहले जब शिराज गया ना, मेरी तो अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुई, लेकिन जब शिराज गया तो कंप्यूटर उस्मान का, और अब जब फखर गया ना तो दोनों इधर बैठता है तो कंप्यूटर। यार वो रजा बेचारा क्या कर रहा होता है, उसको भी तो कंप्यूटर चाहिए ना। यार बड़ी मतलब बातें बहुत सारी है, मतलब उस्मान बात कर रहा है, उस्मान के साथ भी बड़ा मज़े का टाइम गुजरता है, छोटे भाइयों जैसा पहले भी था अब भी है। उस इदारे के साथ हम काम करें या ना करें, वो प्रोफेशनल लाइफ है यार, कभी किसके साथ होते, जर्नलिस्ट की कोई एक जगह नहीं होती, वो जाता रहता है आगे पीछे, चेंज करता रहता है। हाँ, कुछ लोगों के साथ दोस्ती और ये सारी चीज़ें जो है ना ये चल रही होती है, तो हमारी वो चल रही है उस्मान के साथ, क्योंकि उस्मान का मैं टाइम दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि अजीब सा डिनर है दोस्ती को, तो काफी मुद्दत हुई है, लेकिन ये देख ले पहले कहावा ये हर चीज मौजूद है लेकिन उल्टी है। पहले जो है वो ग्रीन है, ये मेरा झिंझोड़ो का बोतल है, साथ में जो है वो दही भी लेके आया है, इसने गिला किया है, यहाँ पे सब चीजें मिलेंगी, इसने गिला किया, अरे कहावा नहीं आया, कहावा भी आ गया। अच्छा शाह, कितना अरसा हुआ हमारी दोस्ती को तकरीबन, अभी उस्मान का कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा उस्मान कुछ कहेंगे, चले मैं मौका शाहब साहब को दे रहा हूँ कि वो केयर करेंगे। जी शाहब, यार इस तरह है कि शिराज साहब हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि शिराज साहब डाउन टू अर्थ इंसान है, और हमारी दोस्ती को काफ़ी अरसा हुआ है, वी वर इन द पायनियर्स ऑफ खैबर टीवी, वो तो बुद्धमत के जमाने के हैं, लेकिन हम जो है उससे थोड़े से वो है, निचले दर्जे के अछूत है। मीडिया में ये है कि शिराज साहब जो है वो कभी प्रोडक्शन तो कभी डॉक्यूमेंट्री मेकिंग और ये सारी चीज़ें उनकी फील्ड है, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद द न्यू गैजेट्स, लाइक ये जो आप देख रहे हैं इसके हाथ में अजीब सी वो है टीवी कैमरा, गोप्रो ये गोप्रो कहा जाते हैं, लेकिन हमें जो है आप इसको क्या कुछ याद समझ रहे हैं। शहाब जो है ये मेरा ट्रेवल पार्टनर भी है, हम इकट्ठे बहुत सारी जगहों पे गए हैं, इवन तुर्की में भी आपने वीडियोस में देखे हुए हैं, ये मेरे साथ था। तो अभी जो है स्टे ट्यून्ड, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह आफ्टर फेब, कहाँ जा रहे हैं ये भी बता दी व्यूअर्स। तो ये असल में हम चाह रहे हैं कि ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया, पूरे सेंट्रल एशिया, और ये जो आगे पीछे गमाजियान बैठे हुए हैं, ये चाह रहे हैं कि हम भी जाएं, लेकिन ये कि स्पॉन्सर ट्रिप है मेरा और उसका शिराज का, और साथ में वो एक पड़ोस भी बैठा हुआ है बेचारा, फखर यूसुफ ज़ई। यार हमने बड़ा वो उसके के साथ इसको देख रहा हूँ, हमने पॉजिटिव नेगेटिव मेरी कोई ऐसी बात जो मुझ में आप नोट की कि अच्छे नहीं, ये है कि साबिर और शाकिर बंदे हैं, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा जब आपके साथ ट्रेवल करते हैं तो कोई चीज़ नागवार गुजरी हो शिराज साहब को, तो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी साबित हुए हैं। जी सलमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं बीच बीच में कूदा हूँ, बस ये हमने हमारी से पहले पहले ही तो मेरा नाम सलमान है और मैं शिराज का दोस्त हूँ, साथ हमारा साथ जो है जिस तरह शिराज ने बताया कि 12-13 साल का है, तो शिराज बहुत ही इंसान है और हार्ड वर्कर है, और सबसे बड़ी बात एग्जीक्यूटर है, जो चीज़ जहन में आया डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, ये नहीं सोचता कि चलेगा या दौड़ेगा या नहीं करेगा, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है इसका, जो मुझे आप में लग रहा है कि भाई इसको चेंज करना चाहिए आपको, कि
सोच के काम नहीं करते हो, बस कूद जाते हो फिर बाद में सोचते हो। अच्छा, ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और अच्छे पॉइंट तो काफ़ी सारे हैं, मतलब हमारा 12-13 साल का साथ रहा है लेकिन कभी हमने ना लड़ाई की ना एक दूसरे से ज़ोर से भी नहीं बोले, तो ये आपकी सबसे बड़ी पॉइंट है। बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपको जन्मदिन बहुत 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 शुक्रिया जी। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, ये जो डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ नहीं वैसे, लेकिन इनकी मोहब्बत है कि डॉक्टर बना दिया। और सबसे पहले तो ये कि माशाल्लाह हमारे भाई की सालगिरह है, हम सब खुश हैं और यही चीज़ होनी चाहिए। और ये अच्छे दोस्तों की निशानी होती है कि आप अपने दोस्त की खुशी जो है ना उसमें आप वैसे ही खुश होते हैं जैसे कि वो खुद खुश हो। तो ये सारे जो यहाँ पे जमा है, शहाब आ गया, बिजी बंदा है, देखें देखें आप अभी भी देखें उठ गया ना, बिजी बंदा है। अच्छा, बाकी फ़ख्र जो है उसकी अपनी एक रूटीन है, सलमान की अपनी है, लेकिन जब दोस्ती का जिक्र दोस्ती का नाम आता है तो फिर आप ये नहीं देखते, वो कंबाइन होती है। तो शिराज को हम सब दुआ के साथ और अपनी बड़ी नेक तमन्नाओं के साथ इसकी सालगिरह की मुबारकबाद कहते हैं और अल्लाह करे कि अगली सालगिरह फिर इसी तरह हो, उससे अगली फिर हो और ये सिलसिला चलता रहे। अब जब बात करते हैं शिराज की पर्सनैलिटी की, तो बड़ी मैं ये कहूँगा कम्प्लेक्स ही है, ये नहीं है कि जब आप दोस्ती में रहते हैं, हमें तकरीबन कोई 15-16 साल का टाइम हो गया, इकट्ठे काम भी किया, प्रोजेक्ट्स भी किए, ट्रैवलिंग भी बहुत सारी इकट्ठे की, तो आपको अपने दोस्तों की और उसकी चीज़ों की जो है ना हाव ना हो जाती है। शिराज में कोई ऐसा कोई ऐसी बैड क्वालिटी या कोई बात नहीं है जो कि मैं कहूँ कि यार ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर एक पर्सनैलिटी में थोड़ी सी वेरिएशन होती है। अच्छी बात तो ये है कि ये एक एंकर पॉइंट है, जैसे आप एक जहाज़ को एंकर लगाते हैं तो आप हुक जो होता है ना, हुक, ये हुक है, हुक पर्सनैलिटी है, अपने साथ लोगों को लेकर चलने वाला बंदा है, एक चीज़ तो ये है। और ये जो हम एक साथ हैं इसमें इसकी क्रेडिट शिराज को ही क्रेडिट जाता है। शिराज का माना भी यही है, शिराज जो है ना इसका मतलब भी यही है कि ये हुक करता है, ज्वाइंट करता है, तो ये तो इसकी प्लस क्वालिटी है। अब जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी ये थोड़ा सा टची है, जो बंदा इसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता, मतलब होते हैं ना हमारी गैदरिंग में और जब हम मिलते हैं तो भी शिराज उसका फिर पीछा नहीं छोड़ता, उसकी ऐसी दिया पाची कर देगा, हर जगह बैठ के बात करेगा, हमारे साथ शेयर करेगा। तो ये चीज़ है इसमें कि जो इसको बुरा लगता है तो फिर ये मतलब खुदी में ये नहीं कि गैबत या कोई चीज़, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो बार बार जब हम जाते हैं ना किसी एक जगह पे, सपोज एक बंदा है उसमें कोई बैड क्वालिटी है, तो शिराज बार बार उसके बारे में हमें बताता रहता है। कम का जी हाँ, तो ये चीज़ है कम, और बस अब यही है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें कि इसी तरह हमारी ये दोस्ती इसी तरह चलती रहे, अल्लाह करे कि। और ये सारे मैं आपको बता दूं, ये सारे जो है हम दोस्त भी हैं, लेकिन हमने YouTube का जो वो है सिलसिला इकट्ठे शुरू किया था। सलमान का अपना चैनल है, राशिद का अपना चैनल है, फ़खर का अपना चैनल है, इन सब के लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि उनकी अलग अलग मतलब सलमान का जो चैनल है उसके बारे में बता दें आपका। हमारा मोटो है चैनल अपना, हाँ तो इसका भी अलग चैनल है, राशिद का अलग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फ़खर का भी है इंशाल्लाह। तो हम बहुत सारी वीडियोस जो है वो इकट्ठे ही बनाते हैं, और अभी आपके साथ डिनर शेयर करेंगे कि हमने क्या ऑर्डर किया है यहाँ पे ताहिर खान रेस्टोरेंट में। तो फिर जो है आगे फिर हाँ ये आगे ज़बरदस्त खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, आप लोगों ने तो कहवा पी लिया और फिर कहवा कसम पकड़ा ये